चलो थोड़ा सा और अपने दिल का गुबार धोले क्या, हम भी जी भर के आज रोले क्या। देर से सुन रहे हैं आपकी बात, हम भी अपनी जुबान खोले क्या। हम भी अपनी जुबान खोले क्या। शुक्रिया। मगर नहीं, गजल अब यहां से शुरू हो रही है। दर्दे दिल दर्दे दिल 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 दर्दे दिल दर्दे दिल दर्दे दिल दर्दे दिल दर्दे दिल की दवा हो गई। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए आपको सुनाने के लिए बैठ गया। सुन लीजिएगा। दर्दे दिल की दवा हो गई, दर्दे दिल की दवा हो गई, ओ दर्दे दिल की दवा हो गई, मुश्किल कुशा हो गई। और भाई
अब पूरी रात अगर गजल नहीं भी पढूं तो ये एक शेर पूरी रात के लिए काफी, पूरी रात के। और सुन के चले जाओ यार, शेर कहा है जालिम ने। ओहो, मैं कहता हूं कि पूरी रात मत सुनना आप मुझसे, बस एक शेर सुन के जाओ। जब से बदली तुम्हारी नजर, जब से बदली तुम्हारी नजर, जब से बदली तुम्हारी नजर, जब से बदली करबला हो गई, दिलावर भाई। बस थोड़ा सा और अपने आप को ये यकीन करो कि सुबह नाइट लेना है तुमको और मजा आ जाएगा। तुम्हारे काम से मैं मुतमईन हूं, ऐसा कुछ भी नहीं। जिंदगी करबला हो गई, ये शेर देखिएगा, शेर देखना दिलावे। चुप रहे हम तो उनके खामोशी खामोशी इल्तिजा हो गई, खामोशी इल्तिजा
इल्तिजा हो गई। पहले ही कह दिया था कि इसमें हम कतात नहीं पढ़ेंगे, पीवर गजल सुनाएंगे। गजल का आखिरी शेर भैया शायद पहले इस गजल का आखिरी शेर पढ़ लेते। अच्छी बात है बेटा, कोई बात नहीं अजीम। अच्छा बेटा ऐसा करो, अच्छा ऐसा करो, गजल का बाद में अपना ऐसा कर लेते ना अजीम। अच्छा ऐसा कर लेते, दोनों अपने अपने जेब से पैसे निकाल कर रखो, जिसके पैसे ज्यादा होंगे उसका शेर पढ़ लो, है ना। हाँ तो इसका मतलब ये कि कंजूस मक्खी चूस देना नहीं चाहते तो। अरे बेटा पैसे की लालच तो इसलिए रख रहा हूं मैं कि 3 साल में तुमको मैंने बहुत छूट दे दिए। देखो अजीम, अजीम ऐसा मत करो। अरे क्या बात, हाजी साहब उनसे बिछड़ा तो ऐसा लगा। फनकार फनकार की मोहब्बत होती है, चाहे वो उनका शेर हो चाहे वो उनका हो, मगर शेर तो फिर शेर है।
अच्छा मेरे छोटे भाई अजीम ने शेर, नहीं नहीं सब्र, मैं अब तुम्हारा ही शेर पढ़ूंगा। मुराद तो मेरा छोटा भाई, शेर पूरा तुम्हारा पढ़ूंगा। हमारे अजीम मियां ने शेर कहा है, कमाल है ये शेर, मैं संभाल के रख लूंगा। मेरा कसूर के सच्चाई मेरी फितरत थी, मेरा कसूर के सच्चाई मेरी फितरत थी, कबीले वालों को मुझसे यही शिकायत। कबीले वालों को मुझसे यही शिकायत थी, मेरा नसीब सजा मिलती या रिहा होता, मेरा नसीब सजा मिलती या रिहा होता, तुम्हें बयान बदलने की क्या जरूरत है। और ये अजीम नाजा कहते हैं, लेकिन सारी दुनिया खुदा हो गई, जनाब मुराद आतिश साहब, लेकिन मुराद मियां शेर तो अच्छा है, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जहन में जरूर रखना कि शायरी में कदम मत रखना। मैं चाहता हूं अपने गाने बजाने को और मजबूत करूं, क्योंकि बहुत अच्छा रख रखाव है तुम्हारे गाने बजाने का, अपने गाने बजाने पर ध्यान रखो। अब शायरी तुम दोनों मेरे ऊपर छोड़ दो, ऐ मेरे मुसाफिर तू उलझन में ना पड़ जाना, ऐ मेरे मुसाफिर तू उलझन में ना पड़ जाना,
जिस मोड़ पे जी चाहे तू मुझसे बिछड़ जाना। क्या बात है। जिस मोड़ पे जी चाहे तू मुझसे बिछड़ जाना। क्यों? तुमसे बिछड़े, तुमसे बिछड़े तो ऐसा लगा, तुमसे बिछड़े तो ऐसा लगा, तुमसे बिछड़े तो ऐसा लगा। यार दिलावर भाई, मैं नहीं चाहता कि अच्छा शेर तुम्हारे हवाले ना करूं और अपने गजल को खत्म करूं। वो दिन जो आए के आने पाने के बाद खो मुझे, शायरी है। वो दिन जो आए के पाने के बाद खो मुझे, तुम्हें कसम है अगर याद करके रो मुझे, तुम्हें कसम है अगर याद करके रो मुझे, तमाम उम्र समंदर का ख्वाब देखा है, तमाम उम्र समंदर का ख्वाब देखा है, मेरी सजा है यही रेत में डुबो मुझे। जिंदगी एक सजा हो गई, एक सजा हो गई। Hey.